15 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे। क्यों आप दिक्कतें बढ़ा रहे हैं कांग्रेस की और महा अगाड़ी की? देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी वो चाहती है कि गठबंधन जिस तरह अपना धर्म जिसको जैसा निभाना चाहिए गठबंधन को, वो गठबंधन अपना धर्म निभाए। और मुझे लग रहा है कि इससे पहले के हालात, जो चाहे वो आपका हरियाणा में रहा हो या इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में रहा, मुझे लग रहा है कि गठबंधन धर्म को नहीं निभाया गया सही तरीके से, और जिसका परिणाम देखने को मिला। बदले बदले सरकार नजर आते हैं, क्या बात हो गई है। मैं सवाल पूछती थी कुछ और जवाब निकलता था, महा युति को लेकर बीजेपी को लेकर आक्रामक हो जाते थे, आप सीधे तौर पर जफर इस्लाम और उनकी पार्टी को लेकर आज गठबंधन का धर्म याद दिला रहे हैं। डॉक्टर साहब नब्ज पकड़िए समाजवादी पार्टी की, क्या हो गया है? देखिए रूबिका जी, वही तो मैं कह रहा था, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी अड़ी गई। समाजवादी पार्टी चाहती है कि गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाया जाए और हर तरीके से हम गठबंधन के साथ। लेकिन अब अगर गठबंधन के साथी हमारे जो गलती पहले कर चुके हैं, अगर वो गलती फिर दोबारा करेंगे तो मुझे लग रहा है इनका नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर बीजेपी पूरी तरह से जिसकी जिसकी पोजीशन बहुत खराब है, आज लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक ध्वस्त है, तमाम बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, लोग उसको वोट नहीं देना चाहते, ठीक है। और अगर अगर ऐसी परिस्थिति में हमारा गठबंधन सबको साथ लेकर के नहीं चलेगा तो यकीनन बीजेपी का फायदा हो सकता है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि गठबंधन को अच्छा, गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। भाई मुझे सारी बातें आपकी समझ में आ रही है, लेकिन आप कहे अभी फटे में पैर डाल रहे हैं, मुझे इतना तो समझा दीजिए। अभी महाराष्ट्र जीत लेने दीजिए ना, आप क्यों पहुंचे? आप नई नई पार्टी है, आप उत्तर प्रदेश संभालिए ना, और उत्तर प्रदेश में तो वो मान गए आपकी बात, 9 की 9 सीटों पर आप उपचुनाव लड़ रहे हैं, ना नाम है ना निशान है कांग्रेस का, तो कहीं तो वो खामियाजा पूरा करवाएंगे ना आपसे। देखिए रूबिका जी, मैं वही कह रहा था कि जो गलती हरियाणा में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मुझे लग रहा है उसका ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, मैं दो तीन बातें स्पष्ट, नहीं दो तीन नहीं, पहले एक करके आप देख रहे हैं मेरे बाकी और 5 मेहमान हैं, मैंने शुरुआत आपसे की है, मैं आपका खेल नहीं समझ पा रही थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है, तहसील नहीं, आप बड़े भाई हैं तो इसका मतलब ये कि रोटी का बड़ा टुकड़ा खुद रखेंगे और वो जो छोटा वाला टुकड़ा है वो पीछे से अपने ही मुंह में डाल देंगे। अरे बांटना सीखिए। देखिए रूबिका जी, आज मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ मुंबई से, मैं इनफैक्ट बांद्रा में हूँ, यहाँ पे कुछ मीटिंग्स के लिए आया था और एक दीपक जी भी यहाँ पर बैठे। एक तो मैं आपसे नाराज हूँ, दीपक जी सिर्फ आपके नहीं, हम सबके फेवरेट है तो ये चीज। बट मेन चीज ये है, रूबिका जी, कि मुझे ये लग रहा है एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो चाहता है कि भाजपा हार जाए और एनडीए जीते, कि कहीं ना कहीं दोनों संजय राउत जी को और समाजवादी पार्टी को एक बैक स्टेप लेना चाहिए। मैं संजय राउत जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, और जिस तरह की इमेच्योरिटी संजय राउत कर रहे हैं और जिस तरह का की डिमांड समाजवादी पार्टी कर रही है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है महाराष्ट्र में सरकार को बदलने। मैं मानता हूँ हरियाणा में कुछ गलती आई, मैं 100% लेकिन महाराष्ट्र का पूरा समीकरण अलग, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे भी पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ रूबिका जी, आपने शुरुआत में कहा पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी का गढ़ माना जाता बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे 12 मते रूबिका जी, वहाँ पे पुणे भी, वहाँ पे कोल्हापुर के वो सारे गढ़ है जो कांग्रेस के गढ़ है। कांग्रेस का जन्म ही पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ, कांग्रेस का जन्म, और कांग्रेस को पश्चिमी महाराष्ट्र में कमजोर करने वाले अगर कोई है वो एनसीपी। यहाँ पर कोई सियासी पार्टी का जन्म हुआ है तो वो कांग्रेस ही है, बाकी सारी पार्टियां तो आप कह सकते हैं कि उससे टूट कर निकली है, लेकिन क्या अब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है तहसीन? वेस्टर्न महाराष्ट्र में कांग्रेस ही सबसे पावरफुल पार्टी है, शरद पवार पार्टी टूट गई, शिवसेना की पार्टी टूट गई। देखिए एक चीज कांग्रेस को भी समझना होगा, कांग्रेस को अपने कॉन्फिडेंस के लिए, मैं 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करता हूँ, कांग्रेस को अपने कॉन्फिडेंस के लिए बात समझ होगी। कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन अरे दिन जो संजय राउत हमला कर रहे कांग्रेस के ऊपर, जिस तरह का डिमांडिंग एटीट्यूड है, उससे महाराष्ट्र के लोग खुश नहीं होंगे। संजय राउत अगर 2 महीने अगर वो जेन्युइनली स्टेटमेंट्स ना दे, ये 1 महीने
ऑनेस्टली एनडीए चुनाव जीतेगा, ऑनेस्टली मैं ये बात कह रहा हूँ। बहुत लोगों को मैं इतने लोगों को मुंबई में आपका जो गणित है अगर वो सच में सीरियस है कांग्रेस सुन ली होती, समझ ली होती तहसील तो मामला बहुत अलग होता, पर आज गठबंधन धर्म कोई और याद नहीं दिला रहा। संजय राउत इमैच्योर बिहेवियर नहीं, पर ये संजय राउत मत बोलिए ना, यहाँ पर तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, अजीज भाई भी कह रहे हैं कि आप लोग को जब जरूरत होती है तो आप फौरन दौड़ के लपक लेते हैं हर अपॉर्चुनिटी, और जब आपको 99 सीटें मिल जाती है यू स्टार्ट बिहेविंग एज ए क्वीन एलिजाबेथ, तो आप ही हैं, आप ही के सर पर मुकुट आना चाहिए और बाकी सब तो यूं ही है। ये वाला जो एटीट्यूड है वो महाराष्ट्र में आपके लिए ठीक होगा कि गलत होगा, इस पर मैं बहस करना चाहती हूँ। अब जफर इस्लाम भी हमारे साथ मौजूद है, और इंटरेस्टिंग चीज मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि इसमें ज्यादातर जो आपको चेहरे नजर आ रहे हैं ना वो सबके सब महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। इनफैक्ट जफर इस्लाम वो भी वहां महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखते हैं। कैसे ताल्लुक रखते हैं कि भाई ज्यादातर वहां पर उनका समय बीतता है, घर है उनका बकायदा। ये बताइए कि जफर इस्लाम साहब खाली यहाँ पेच या महाअघाड़ी में नहीं फंसा हुआ है, महायुति में तो फंसा हुआ है। आप लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं कि अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं? देखिए रविका जी, सही कहा, मेरे आधे से ज्यादा जिंदगी मेरी यही गुजरी है, 70% जिंदगी मेरी मुंबई में गुजरी है, और मैं इस वक्त भी मुंबई में हूँ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इलेक्शन में मुंबई में लगी है। लेकिन मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज वापस आ रही है, इसको जरा ठीक करा दीजिए। लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ, कांग्रेस ये जो MVA के पार्टनर है उनका ऐसा है एक दूसरे को कहना, मुझे कम नहीं लेकिन हम किसी से कम नहीं। कांग्रेस का ऐसा है कि जेब है मेरी खाली लेकिन भर दो मेरी थाली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ, इसके वजह से आपस में पूरा कुश्ती रहती रहेगी, और वही हाल है इस समाजवादी पार्टी का। कुछ नहीं लेकिन फिर भी सब कुछ चाहिए हमको। तो इस तरह की जो सोच है ना, जिसमें त्याग नहीं है जरा सा भी, तो ये जनता के लिए क्या त्याग करेंगे? जब पार्टी अपनी एक दूसरे के लिए त्याग नहीं करे इलेक्शन में, तो जनता के लिए क्या त्याग करेंगे? इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, महायुति में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हमने अपने सीटें जितनी डिक्लेयर करी है, वो बाकी जो नहीं किए हैं वो भी हमने डिसाइड कर लिया है, ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है। स्ट्रेटेजिकली हम हो सकता है कि जो बची खुची सीटें 29 को सुबह में डिक्लेयर करें। अच्छा ठीक है, मैं आपकी इस बात को लास्ट पे करें। हाँ, नहीं नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट की मनीषा कायंदे भी हैं। मनीषा जी सच बताइए, कौन किस पर अभी भारी नजर आ रहा है? महायुति आप कहेंगी, लेकिन महाअघाड़ी में जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके लिए परेशानी का सबब है कि ये तो सोने पर सुहागा? देखिए, महा विकास अघाड़ी जो है उसमें पूरी बिगाड़ी है, और ये एक दूसरे की सलाह न लेते हुए ये लोग सीट्स डिक्लेयर कर चुके हैं। काफी सारे जगह लोकसभा में इसी प्रकार का हुआ था कि इन्होंने अपनी अपनी सीट डिक्लेयर कर दी। हाँ। और इनके हर एक मीटिंग में दिखाने चाहते, नाना पटोले कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाइए। वहाँ उद्धव ठाकरे जी